हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आदि आदिकल्चर वर्ल्ड जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों देखिए आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है मैंने येलो और ब्लू कलर का कलर कॉम्बिनेशन रखा है आप अपने पसंद से किसी भी कलर के ऊन से ये खूबसूरत सी पोशाक बना सकते हैं और हमने सिलाई से बुन कर कान्हा जी की ये पोशाक बनाई है इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं हमें देखिए कान्हा जी के गले में ऐसे डालना है चोली को फिर यहाँ पे हमने ये जो डोरी लगाई हुई है इसको हमें कान्हा जी के कमर में बांध देना है फिर देखिए इस ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड टू सिक्स एट साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कानाजी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेलाइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने येलो और ब्लू कलर का ऊन ले लिया है और साथ में ये ग्यारह नंबर की सलाई ले ली है आज हम सलाई से बुनकर कान्हा जी के लिए पोशाक बनाएंगे अब देखिए हमने ये येलो कलर का ऊन ले लिया है आगे की तरफ से हमें इसको ऐसे डबल कर लेना है थोड़ी दूर इस तरीके से अब ये जो हमने ऊन डबल किया है फिर हमने ये सलाई ले ली है ऐसे देखिए हम एक लूप बनाएंगे जिधर से हमने इसको डबल किया उधर की तरफ से हमें लूप बनाना है और सिलाई में डालना है फिर ये जो इधर से सिंगल वाला ऊन है इसको हम सिलाई में एक बार ही ऐसे लपेट लेंगे फिर वापस हम लूप को इसमें डाल देंगे तो देखिए यहाँ पे ये लॉक हो गया फिर से हम ऐसे लेंगे लूप बनाएंगे और ये जो सिंगल वाला ऊन है इसको हमें सिलाई में लपेटना है और वापस लूप को हमें इसी में डाल देना है खींचेंगे तो देखिए यहाँ पे फंदा पड़ गया फिर से हम ऐसे लूप बना के सिलाई में डालेंगे और सिंगल जो ऊन है इसको लपेटेंगे वापस लूप को इसी में डाल देंगे फिर से देखिए हमें ऐसे लूप बना के सिलाई में डालना है सिंगल वाला ऊन लपेटना है और फिर लूप को वापस इसमें डाल देना है इसी तरीके से हमें टोटल अट्ठारह यानी कि एटीन फंदा डाल के कंप्लीट कर लेना है हमने देखिए फंदा डाल के कंप्लीट कर लिया है अब हम पहली लाइन बिनेंगे तो हमें क्या करना है जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे बिना बिने इस तरीके से फिर हमें दूसरा फंदे में इस तरीके से सीधा बीनना है तो देखिए ऐसे हम फंदे में सलाई को डालेंगे और पीछे की तरफ से ऊन को इस पर डाल के फिर फंदा निकाल लेंगे फिर इसके बाद वाले फंदे में भी हम ऐसे सलाई को पीछे की तरफ डालेंगे ऊन को एक बार लपेटेंगे और फंदा उतार लेंगे इसको हम सीधा बिनना कहते हैं तो इस तरीके से सीधा बिनते हुए हमें ये पूरी लाइन बिन के कंप्लीट कर लेनी है सीधा बिनते हुए हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है अब हमें इसको एक लाइन उल्टा बिनना है तो पहले देखिए ऐसे उतार लेंगे पहला फंदा अब हमें आगे की तरफ से ऐसे डालना है फंदे में सलाई को इसको हम उल्टा बिनना कहते हैं तो इस तरीके से हम उतार लेंगे फंदे को फिर देखिए इसके बाद वाले फंदे में भी हम ऐसे डालेंगे सलाई को ऊन को एक बार लपेटेंगे फिर ऐसे फंदा उतार लेंगे तो ऐसे उल्टा बिनते हुए हमें ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है दूसरी लाइन बीन के कंप्लीट करने के बाद अब तीसरी लाइन में हम नेट डालेंगे और फंदा बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना है सबसे पहले हम देखें पहला फंदा बिना बीने ऐसे ही उतार लेंगे उसके बाद हमें इसको सीधा बीनना है तो हमें टोटल आठ फंदा सीधा बीन लेना है इस तरीके से तो ये दो फंदे हो गए पहला हमने उतारा था फिर दूसरा बिना ये तीन ये चार पाँच छत और ये आठ तो टोटल आठ फंदा हमने बीन के कंप्लीट कर लिया है अब हम नेट डालेंगे तो हमें इस तरीके से ये जो ऊन है ना पीछे की तरफ इसको आगे कर लेना है फिर हम ऐसे जैसे हम सीधा बीनते हैं उसी तरीके से हमें सलाई को डालना है और इस तरीके से ऊन को लपेट कर फंदा उतार लेना है तो देखिए फंदा भी बढ़ गया है यहाँ पे नेट पड़ गया है और यहाँ पे एक का दो फंदा हो गया है अब इसके बाद वाले फंदे से भी हम नेट डालेंगे तो ये जो ऊन है इसको हम आगे कर लेंगे फिर से जब भी हम नेट डालेंगे तो हमें ऊन को ऐसे आगे कर लेना है फिर इसके बाद वाले फंदे में भी हमें देखिए ऐसे करके सीधे सिलाई डालनी है और ऊन को लपेट के फंदा उतार लेना है तो फिर से यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया और दूसरा नेट भी पड़ गया अब देखिए इस लाइन में जितने बचे हुए फंदे हैं इसको भी हमें ऐसे सिंपल सीधा सीधा बीन के कंप्लीट कर लेना है पूरा इस तरीके से अब हमें ना कुछ भी घटाना है और ना ही कुछ भी बढ़ाना है सिंपल ऐसे सीधा सीधा बीनते हुए हम पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए तीन फंदे और बचे हुए हैं इसको भी हम ऐसे ही सिंपल बीन लेते हैं और ये लास्ट फंदा है बीन के हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है तो अब देख सकते हैं आप बीच में दो नेट हमने डाले हैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तो पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब आप, आप देख सकते हैं बीच में हमने दो नेट डाले हैं एक नेट यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है अब हमें क्या करना है इसको हम पलट लेंगे पलट कर अब हमें इसको उल्टा बीनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है तो पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे फिर दूसरे फंदे में हम ऐसे उल्टा बीनेंगे इस लाइन में ना ही हमें कुछ भी घटाना है और ना ही कुछ भी बढ़ाना है और ना ही हम इसमें नेट डालेंगे सिंपल उल्टा बीनते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे उल्टा बीनते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है अब हमें फिर से इसमें नेट डालना है तो इसके पहले जब हमने नेट डाला था तो आठ फंदा हमने बीना था और नौवे फंदे में हमने नेट डाला था अब हमें क्या करना है अब हम नौ फंदा बीनेंगे और दसवें फंदे में नेट डालेंगे यानी कि हर सलाई में जब हम नेट डालेंगे तो हमें एक एक फंदा बढ़ाते जाना है पहले हमने आठ फंदा बीना था अब हम नौ फंदा बीन लेंगे तो पहला फंदा देखिए इस तरीके से हमें उतार लेना है फिर हम इसके बाद आठ फंदा और बीन लेंगे क्योंकि एक फंदा हमने पहले से उतार लिया है आठ फंदा और बीनेंगे तो टोटल नौ फंदा हो जाएगा तीन चार पांच छ सात आठ और ये नौ तो देखिए पहले हमने आठ फंदा बीना था अब हमने टोटल नौ फंदा बीन के कंप्लीट कर लिया है अब हम नेट डालेंगे तो हमें फिर से ऊन को इस तरीके से आगे कर लेना है आगे करने के बाद इसके बाद वाला जो दसवां फंदा है इसमें हम ऐसे डालेंगे सलाई को और ऊन को इसमें लपेट के फंदा उतार लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने फिर से नेट डालिया अब इसके बाद वाले फंदे में भी हम नेट डालेंगे सॉरी पहले हम देखिए ऊन को आगे कर लेंगे इस तरीके से फिर इसके बाद वाले फंदे में हम सलाई को डालेंगे और इस तरीके से बीन के उतार लेंगे तो फिर से हमने दो नेट डाल लिया अब इधर की तरफ से जितने बचे हुए फंदे हैं इसको भी हमें ऐसे सीधा बीनते हुए कंप्लीट कर लेना है तो देखिए दूसरी सिलाई में भी हमने फिर से नेट डाल लिया है अब हम इसको पलट लेंगे और पलट कर हमें उल्टा बीनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है तो पहला फंदा हम उतारेंगे अब हमें उल्टा बीनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है ना ही कुछ घटाएंगे ना ही कुछ बढ़ाएंगे सिंपल ऐसे ही बीन के कंप्लीट कर लेंगे उल्टा बीनते हुए हमने देखिए फिर से पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है अब सीधी वाली सिलाई आ गई है इसमें हमें फिर से नेट डालना है तो इस बार भी हमें एक फंदा बढ़ा देना है यानी कि अब तीसरी सिलाई में हमें दस फंदा बीनना है और ग्यारहवें फंदे में नेट डालना है इसी तरीके से जब हम नेट डालेंगे तो हमें एक एक फंदा बढ़ाते जाना है काउंटिंग में और हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि जो सीधी सलाई होगी हमें उसी में नेट डालना है उल्टी सलाई में हमें नेट नहीं डालना है तो अब हम क्या करेंगे पहले हमें दस फंदा बीन लेना है तो पहला फंदा हम ऐसे उतार लेते हैं इसके बाद नौ फंदा और बीनेंगे तो टोटल दस फंदा हो जाएगा तो ये एक ये दो ये देखिए तीन ये चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस तो हमने देखिए टोटल दस फंदा बीन के कंप्लीट कर लिया है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस अब हमें नेट डालना है तो उनको हम ऐसे आगे कर लेंगे और फिर से हमें इसके बाद वाला जो फंदा है इसको ऐसे सीधा बीन के उतार लेना है तो यहाँ पे नेट पड़ गया अब फिर से इसके बाद वाले फंदे में भी हम नेट डालेंगे तो इस तरीके से हमें उनको आगे कर लेना है और इसके बाद वाले फंदे में भी ऐसे सीधा बीन के हमें नेट डाल लेना है अब यहाँ पे जो बचे हुए फंदे हैं इनको हमें सिंपल ऐसे सीधा बीनते हुए कंप्लीट कर लेना है पूरा सिलाई बचा हुआ फंदा भी बीन के हमने कंप्लीट कर लिया है अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर हम इसको उल्टा बीनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसे पहला फंदा उतार के उसके बाद हमें इसको उल्टा बीनते जाना है उल्टा बीन के पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए फिर से सीधी वाली सलाई आ गई है तो इसमें भी हमें नेट डालना है इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नेट डालेंगे तो हमें एक एक फंदा बढ़ाते जाना है तो इसके पहले हमने देखिए दस फंदा बीन के ग्यारहवें फंदे में नेट डाला था तो अब हमें ग्यारह फंदा बीनना है और बारहवें फंदे में नेट डालना है तो इस तरीके से बीच में हम दो नेट डालेंगे फिर बचा हुआ फंदा बीन लेंगे इसके बाद हमें उल्टा बीनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है फिर इसके बाद वाले सीधी सलाई में हमें नेट डालना है उसमें हमें हमें बारह फंदा बीनना है और तेरहवें फंदे में नेट डालना है इसी तरीके से बीनते हुए हमें ये पूरा घेर कंप्लीट करना है तो आप घेर की जितनी लंबाई रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको बीन सकते हैं हमने देखिए इसको बीन के कंप्लीट कर लिया है मैंने बीच में टोटल अट्ठारह नेट डाला है मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और ये एटीन तो हमने टोटल अट्ठारह नेट डाला है अब हमें क्या करना है हम छः लाइन उल्टा बीनेंगे तो हमें पहला फंदा उतार लेना है इसके बाद दूसरे फंदे में भी हमें इसको उल्टा बीनना है अब देखिए इसी तरीके से उल्टा बीनते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद पांच लाइन और ऐसे ही बना लेनी है यानी कि उल्टा बीनते हुए हमें टोटल छः लाइन कंप्लीट करनी है और हमें ना ही कुछ भी घटाना है ना ही कुछ भी बढ़ाना है सिंपल ऐसे उल्टा बीनते जाना है इसको जिससे कि किनारे पर एक बॉर्डर की तरह बन जाएगा तो चलिए हम छे लाइन बीन के कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको आगे बताते हैं उल्टा बीनते हुए हमने देखिए टोटल छ लाइन कंप्लीट कर लिया है अब हम इसको उतारेंगे तो उतारने के लिए हमें इसको फिर से देखिए पलट लेना है और पलट कर पहले फंदा हम बीन लेंगे एक फिर हम दूसरा फंदा बीनेंगे तो देखिए सिलाई में दो फंदे हो गए अब ये जो पहला वाला फंदा है इसको हमें इस पे से ऐसे उतार लेना है फिर हम एक फंदा और बीनेंगे फिर से दो फंदे हो गए तो ये जो पीछे वाला फंदा है इसको हमें ऐसे आगे वाले फंदे पर से उतार लेना है फिर से देखिए एक फंदा हम बीन लेंगे और पीछे वाला जो फंदा है इसको हमें आगे वाले फंदे से ऐसे उतार लेना है फिर से देखिए हम एक फंदा बीनेंगे और जो पीछे वाला फंदा है इसको हमें आगे वाले फंदे पर से ऐसे उतार लेना है इसी तरीके से हम इसको उतारते जाएंगे हमने देखिए सारे फंदे उतार लिए हैं अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हम इसको ढीला कर लेना है और एक्स्ट्रा ऊन जो है इसमें से निकाल के हम इसको खींच के टाइट कर लेंगे तो ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा लॉक करने के बाद हमें एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है लॉक करने के बाद अब देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा सेम ऐसे ही हमें एक पीस और बना के तैयार कर लेना है हमने देखिए दूसरा पीस बना के भी तैयार कर लिया है मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ हमने देखिए दोनों ही पीसेस बिल्कुल बराबर बनाए हैं हमने शुरू में अट्ठारह फंदा बनाया था उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 18 नेट भी डाला है अब हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे चोली बनाने के लिए हमने देखिए स्काई ब्लू कलर का ऊन ले लिया है अब सबसे पहले हमें नौ फंदे डाल लेने हैं हमने देखिए चोली बनाने के लिए टोटल नौ फंदा डाल के कंप्लीट कर लिया है हमने देखिए स्कर्ट की जो पीसेस बनाए थे तो इसमें टोटल अट्ठारह फंदे डाले थे हमने शुरुआत में तो अट्ठारह का जो आधा होता है वो नौ होता है तो इसीलिए हमने एक पट्टी बनाने के लिए नौ फंदे डाले हैं आप कमर के लिए जितने फंदे डालेंगे उसका

उल्टा बीनते हुए हमने देखिए एक लंबी सी पट्टी बना के तैयार कर ली है मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ इसकी जो टोटल लंबाई है वो हमने साढ़े तीन इंच यानी कि थ्री पॉइंट फाइव इंच रखी है और सेम ऐसे ही हमने एक पट्टी और तैयार कर ली है यानी कि इन दोनों ही पट्टी की लंबाई साढ़े तीन इंच है और चौड़ाई के लिए हमने नौ फंदे डाले हुए थे अब हमें क्या करना है इसको देखिए हम इस तरीके से रखेंगे ऐसे क्रॉस करते हुए रखेंगे और हमें ये एक पीस लेना है स्कर्ट का यहां पे हम ऐसे इसको रखेंगे देखिए इस तरीके से ऐसे और यहां से यहां तक हमें इसको सुई धागे से टक करके ज्वाइंट कर लेना है तो हमने देखिए ये सुई धागा ले लिया है अब हमें यहां से इसको रखना है सबसे पहले हमने ये जो चोली है ना इसको बीच में से टक कर लेना है जिससे कि ये यहीं यही पर ज्वाइंट हो जाएगी और हिलेगी नहीं तो क्रॉस करते हुए हमने देखिए इसको यहाँ पे टक कर लिया है अब हमें ऐसे क्रॉस करके रखना है इसको और स्कर्ट के एकदम सेंटर में यहां से हम इसको रखेंगे फिर ऐसे सेट कर तो करते हुए हमें इसको सुई धागे से टक कर लेना है इधर की तरफ से हमने इसको सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लिया है अब इधर से भी हमें इसको क्रॉस करना है तो देखिए ऐसे हम क्रॉस करके इस तरीके से कर लेंगे मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ देखिए ये ऐसे है अब हम इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे इधर वाला जो पीस है हमें इधर की तरफ ऐसे रखना है तो क्रॉस करने के बाद अब देखिए इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा और जो दूसरा पीस है इसको भी हमें यहाँ पे रखना है बराबर करते हुए और हम सुई धागे से टक करके इसको भी जॉइंट कर लेंगे टक करके ज्वाइंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है अब हमें इसमें डोरी लगानी है तो मैंने ये क्रोशिया ले ली है मैं क्रोशिया से डोरी लगाऊंगी देखिए यहाँ किनारे पे हमें ऐसे डालना है क्रोशिया को और ऊन को इसमें से फंसा के निकाल लेना है अब हमें नॉट लगा इसको यहीं पर ज्वाइंट कर लेना है अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा के निकाल लेंगे फिर देखिए हमें क्रोशिया में उनको को लेकर लूप में से निकाल लेना है इसी तरीके से चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बना के तैयार कर लेनी है हमने देखिए क्रोशिया से दोनों तरफ से डोरी बना के तैयार कर लिया है अगर आप क्रोशिया से डोरी नहीं बनाना चाहते हैं तो ये रेडीमेड डोरी भी आती है मार्केट में इसको भी आप दोनों तरफ से सुई धागे से टक करके या फिर मशीन से सिलाई लगाकर कर ज्वाइंट कर सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ वेल कर भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक यू